सबने का राम राम। मार नाम चे हीरा लाल चौहान और हाँ अभी जैविक खेती का आधार पर हम काम कर रहे हैं। और अभी हम तुमको चना की कितना प्रकार का चना हो जो उनका बारे में हम तुमको समझूंगा और वो कसो उपचारित करें बोणू छे वो का बारे में हम तुमको बताऊँ। और सूखी जगह में कहाँ का चना बोणू छे और मतलब पानी की जगह में कहाँ का चना बोना चाहिए एक बारे में हम बताऊँ तुमको। जहाँ पर पानी को साधन नहीं होए और जो बारिश पर ही निर्भर छे वहाँ पर HK4 ही चना बोना चाहिए प्रजाति का चना। ऐसी जमीन जहाँ पर एक दो पानी देवाई जाए उन्हीं जगह पर RVG 203 चना बोना चाहिए। विल्ट और उपटा बीमारी से बचने हुए तो यानी प्रजाति न का ये करना अपनाना चाहिए। विल्ट रोधी बीज को प्रकार पूसा 262, सी 214, उदय और अवरोधी और एक वेराइटी JG 315 ये मध्य प्रदेश में चली रही या सबसे अच्छी से। चना बोने के समय 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक बोई दे तो वो उत्पादन बहुत अच्छा मिली। 30 नवंबर के बाद भी अपन चना वायु सकाज पर वो बाद में वो उत्पादन बहुत कम रहे। उपटा बीमारी से बचने के लिए 30 नवंबर से पहले पहले चना बोया जाएगा तो कम उपटा बीमारी नहीं आ ही सकती। सबसे पहले अपन का बीज अमृत से अपन का बीज उपचार करना चना उपचारित करने के लिए सबसे पहले तो अपना का बीज अमृत इतना डालना चाहिए कि जो चना गीला हो जाए। अब एक बाद में अपन का राइजोबियम कल्चर से अपन को उपचारित करना पड़ेगा और एका में 1 किलो चना में अपन का 5 ग्राम राइजोबियम मिलाना पड़ेगा। राइजोबियम कल्चर बीज में मिलावना के बाद में फैला ही दिया। एक बाद बीज में अपन टाइकोडर्मा मिलावांगा 1 किलो 1 किलो में 4 ग्राम टाइकोडर्मा मिलावांगा। टाइकोडर्मा मिलावना का बाद में ये बीज का अपन फैला ही देवांगा बाद में फैला दिया। एक बाद अपन सोडोमिलास मिलाऊंगा 1 किलो बीज का ऊपर अपन 3 ग्राम सोडोमिलास मिलाऊंगा।
चार चेंज से अपन ने एक उपचारित कर लियो, अभी एक अपन ने सीधो खेत में जाने वाणु छे ने। एक एकड़ का बीज में अपन ने 30 से 35 किलो बीज बोवनु चाहिए। नमस्कार।